देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट की बड़ी वजह कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से मांग में आई कमी को माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। इसके लिए सरकार LTC कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इन स्कीम्स के जरिए सरकार का लक्ष्य इकोनॉमी में मांग बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। इन दोनों स्कीमों के तहत सरकार लीव ट्रेवल कंसेशन यानी LTC की कैश वाउचर स्कीम लेकर आई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को LTC के बदले नगद वाउचर मिलेगा, जिससे वो अपना पैसा खर्च कर सकेंगे और साथ ही अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका फायदा PSU और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। स्कीम को लेने के लिए कर्मचारियों को LTC के बदले भुगतान डिजिटल करना होगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो उसका अवकाश नकदीकरण है, लीव एनकैशमेंट है, उसका 1 गुना है, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। और इसमें केवल 2 छोटी-छोटी बातें हैं कि जो GST जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज्यादा वाली स्लैब में आते हैं उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा, और GST रजिस्टर्ड जो वेंडर है, जो व्यापारी है, उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है और उस पर ही भुगतान करना है, और भुगतान भी डिजिटल मोड से करना है ताकि डिजिटल इंडिया को बल भी मिले। ये स्कीम 2018 से 2021 के लिए होगी। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराए का भुगतान होगा, जो टैक्स फ्री होगा। इसका फायदा लेने के लिए कर्मचारी का किराया और बाकी खर्च पेमेंट से 3 गुना होना चाहिए। इसी तरह सामान और सेवाएं GST रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और भुगतान डिजिटली करना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च के द्वारा करीब 28,000 करोड़ रुपए की मांग इकोनॉमी में पैदा होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फेस्टिवल एडवांस स्कीम का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री के मुताबिक फेस्टिवल एडवांस स्कीम को फिर एक बार सिर्फ इस साल के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 10,000 रुपए का एडवांस सभी तरह के कर्मचारियों को मिलेगा, जिसे वो 10 किश्तों में जमा कर सकते हैं। ये 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा। ये प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज उठाए गए सारे कदमों से अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ के पार हो सकती है।